पंजाब में नगर निकाय चुनावों का प्रचार आखिरी चरण में है। चुनाव प्रचार में कुछ घंटे ही शेष बचे हैं। शाम 5 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा और 14 फरवरी को वोटिंग होगी। पंजाब में 8 नगर निगमों, 109 नगर काउंसिल और नगर पंचायतों के लिए 14 फरवरी को मतदान होना है। मतदान की प्रक्रिया 14 फरवरी को सुबह 8 बजे से शुरू होगी और शाम के 4 बजे तक चलेगी। मतगणना 17 फरवरी को होगी। इन चुनावों को सत्ता का सेमीफाइनल के रूप में भी देखा जा रहा है। पंजाब में साल 2022 में विधानसभा का चुनाव होने जाना है, इससे लिहाजा सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, श्रोमणी अकाली दल और बीजेपी के नेताओं ने अपने अपने उम्मीदवारों को जिताने के लिए जमकर प्रचार किया है। इन चुनावों में कानून व्यवस्था सबसे बड़ा मुद्दा रहा है। विरोधी पार्टियों की ओर से पंजाब सरकार पर लगातार कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने के आरोप लगाते आए हैं। श्रोमणी अकाली दल और आम आदमी पार्टी की ओर से कहा गया है कि चुनाव में गड़बड़ी फैलाने के लिए कांग्रेस पुलिस का इस्तेमाल कर रही है। हालांकि सरकार की ओर से इन आरोपों को खारिज किया जा रहा है। आपको बता दें कि आज शाम 5 बजे चुनाव का शोर थम जाएगा। सभी पार्टी अपनी अपनी ताकत झोंक रही है। आपको बता दें कि पंजाब के हर एक जिले में चुनाव प्रचार बड़े ही जोर शोर से चल रहा है। कई लोगों को अपने घरों कढ़ के छके, अब 7 साल हो गए घरों कढ़े नूं, आ सोचदा जबकि किसान